हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ गीता। गीता किचन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम चिक्की की रेसिपी बना रहे हैं, गुड़ और मूंगफली से बनती है। इसके लिए हमने एक बाउल गुड़ लिया है, जिसे जैगरी भी बोला जाता है, एक बाउल भुनी हुई मूंगफली, दो स्पून देसी घी लिया हुआ है। सबसे पहले हम गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। हमारी ऑलरेडी भुनी हुई मूंगफलियाँ हैं, बस इनका छिक्कल नहीं हटा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इन्हें गुनगुना करके इनका छिक्कल हटने तक गर्म करूँगी। अगर आप पर कच्ची मूंगफली है तो आप उसे 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर भून लें, फिर उसका छिलके को अलग कर दें। देखिए इस तरह से इनके छिक्कल ईजिली अलग हो जाते हैं। भुनी हुई मूंगफलियों को हम एक प्लेट में निकाल रहेंगे और हाथों से इस तरह से मसल मसल कर इसके सारे छिक्कल हम अलग कर लेंगे। इसे हम अपने मम्मी वाले मेथड से इन्हें फटकारते हुए इनके छिक्कल को अलग करेंगे। फटकारेंगे तो आगे इनके छिक्कल निकल जाएंगे। इस तरह से हमने सारी मूंगफलियों से छिक्कल को अलग कर लिया है। या बाउल की हेल्प से इन्हें हल्का सा दबा देंगे, जिससे कि ये 2 पीस में टूट जाएं, जिससे हमारी चिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम एक पैन को गर्म करते हैं और इसमें जो हमारा जिगरी था उसे हम धीमी आंच पर पकाते हैं और इसे लगातार चलाते जाते हैं, जिससे कि ये हमारे पैन में लगे ना। इस तरह से इसे लगातार चलाना है और धीमी आंच पर इसे पकाते जाना है। अब इसमें हम 1 स्पून जो देसी घी था उसे ऐड कर देंगे। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमारी जो चिक्की है शाइनिंग बनेगी और ये गुड़ भी नहीं लगता है। अब इसे हमें लगातार चलाते जाना है, जिस तरह से मैं चला रही हूँ। इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है गाइस, नहीं तो हमारी जो चिक्की है उसमें कड़वाहट आ जाएगी। इसे हमें लगातार चलाते जाना है। अभी हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे अच्छे से। अब इसे टेस्ट करते हैं। हम एक बाउल में हमने पानी लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा गुड़ डालते हैं। अभी ये खिंच रहा है, अभी ये चिपचिपी है, इसे अभी हमें और पकाना है। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाते जाना है और इसे बीच बीच में टेस्ट भी करना है, क्योंकि मार्केट में कई तरह के गुड़ आते हैं और हर गुड़ के पकने का टाइमिंग अलग होता है। इसे हम दोबारा टेस्ट करते हैं। देखिए अभी भी चिपचिपी है और खिंच रही है, इसका मतलब अभी हमारी गुड़ की चाशनी तैयार नहीं हुई है। अभी हमें इसे 1 से 2 मिनट और अच्छे से पकाना है, क्योंकि हमने इसमें घी डाला हुआ है, इसलिए ये अब पैन से नहीं लगेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसे पकाते समय थोड़ा सा देसी घी ज़रूर डाल दें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। बस इसमें एक बात का ही ध्यान रखना है कि हमें इसे हमेशा धीमी आंच पर ही पकाना है। देखिए इसकी कितनी आवाज़ आ रही है, दोबारा सुनवाते हैं। अब ये गुड़ की चाशनी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। हम इसमें जो हमारी मूंगफली से ऐड कर देंगे। अब इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस इसे मिक्स करना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे जमने के लिए अब ये हमारा मटेरियल तैयार है। एक प्लास्टिक पर हम ब्रश की हेल्प से इसमें देसी घी लगा देंगे, जिससे कि हमारी चिक्की ईजिली निकल आएगी। ये बहुत गर्म है गाइस, इसमें हमने एक ऑयल की पन्नी ली है, उसमें हम ये पूरा मटेरियल निकाल देते हैं। चाहो तो आप इसकी जगह एक स्टील की प्लेट पर घी लगाकर भी उस पर भी आप इसे जमा सकते हैं। ऐसा घी लगाकर इसे टैप टैप करते हुए इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। हमने एक प्लास्टिक की पॉलिथीन में भी घी लगा लिया है, इसके ऊपर रखकर हम इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इससे ये हमारी एकदम स्मूथ, शाइनी और एक सी बनती है। कि हमने इस प्लास्टिक की पॉलिथीन पर भी घी लगाया हुआ था, या आप इसकी जगह तेल भी लगा सकते हैं, मतलब आपको चिकनाई लगाना ज़रूरी है, जिससे कि ये इजीली गल जाए। अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें अभी से ही कट के इम्प्रेशन लगा देंगे, नहीं तो ये जम जाएगी तो उसके बाद इसे काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसी भी तेज़ धार वाले नाइफ या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसमें कट लगा सकते हैं। हमने सारे पीसेस को कट कर लिया है, सुनिए इसकी आवाज़। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती है। एक बार इतनी क्रंची बनकर तैयार हुई है और आप ट्राई कीजिए।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी क्विक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।